नागफणी नई सड़क के पास एक व्यक्ति अवैध रूप से कच्ची देसी हथकड़ी शराब बेच रहा है, आदि इतला पर। कभी कभी बड़ी खुशियों का खजाना छोटे छोटे तोहफों में छुपा होता है, इसीलिए तनिष्क लाए हैं लिटिल बिग मोमेंट्स, अ फ्रेश न्यू कलेक्शन ऑफ इयररिंग्स, साथ ही डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर अप टू 20% ऑफ भी। तो आज ही पधारे तनिष्क अजमेर एट इंडिया मोटर सर्कल। कल दिनांक 12/8/2021 को जरिया मुखबिर इतला मिली कि अनासागर पुलिस चौकी पुलिस थाना गंज क्षेत्र के अंदर अवैध रूप से कच्ची शराब बेची जा रही है। इसी दौरान श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला अजमेर द्वारा भी एक अभियान चलाया जा रहा है कि किसी प्रकार से अवैध रूप से कच्ची हथकड़ी एवं देसी व अंग्रेजी शराब का अवैध निर्माण एवं बिक्री के संबंध के अंदर पूर्णतया रोक लगाई जाएगी, जिसकी पालना के अंदर कल मन एसआई को इतला मिली कि नागफणी नई सड़क के पास एक व्यक्ति अवैध रूप से कच्ची देसी हथकड़ी शराब बेच रहा है, आदि इतला पर मौके पर पहुँचे। वहाँ पर खालिद उत्तर श्री शौकत अली जाति मुसलमान निवासी बासनी जिला नागौर का रहने वाला है, जिसके द्वारा एक प्लास्टिक बोतल के अंदर 2 लीटर कच्ची देसी हथकड़ी शराब मिली, जिसको लाइसेंस और परमिट के बारे में पूछा, नहीं होना बताया, जिसको मौके से गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार किया जाकर प्रकरण दर्ज कराया गया। इसी क्रम के अंदर ग्राम हाथीकेड़ा चर्च के पास के अंदर एक व्यक्ति जगदीश पुत्र बहादुर जाति रावत निवासी रामपुरा जिला भीलवाड़ा हाल नौसर घाटी थाना किशनगंज अजमेर द्वारा भी अवैध रूप से कच्ची हथकड़ी शराब बेचता हुआ पाया गया, जिसको भी 2 लीटर कच्ची देसी हथकड़ी शराब सहित पकड़ा गया, जिसको भी परमिट और लाइसेंस के बारे में पूछा गया, नहीं होना पर जुर्म धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया गया, जिनको आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। 2 जगह कार्रवाई हुई है, एक तो हाथीकेड़ा ग्राम हाथीकेड़ा के अंदर चर्च के पास हुई है, दूसरी नई सड़क नागफणी क्षेत्र में हुई है। मेरा नाम बलदेव साई उप निरीक्षक पुलिस थाना गंज अजमेर।